चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। मुंबई में ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए बाइक शेयरिंग योजना की शुरुआत हुई है और इसके तहत साउथ मुंबई में किराए पर साइकिल मिल सकती है। मोबाइल ऐप के जरिए इन साइकिल्स को एक जगह से लेकर दूसरे स्टेशन पर लौटाया भी जा सकता है और ये पहल शहर में प्रदूषण के खिलाफ भी कारगर साबित होगी। मुंबई में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या सुलझाने का ये है नया फॉर्मूला। चर्चगेट स्टेशन के पास माई बाइक संस्था की मदद से इस रेंट अ बाइक सेंटर की शुरुआत हुई है। चर्चगेट के साथ साथ नरीमन पॉइंट और कोलाबा जैसे साउथ मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इन साइकिलों के जरिए ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की राह तलाशी गई है। एसोसिएशन विद बीएमसी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के साथ में ये जो बाइसिकल सर्विस है इसे लॉन्च कर दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि चर्चगेट, नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे एरियाज है जहां पर हैवी पॉपुलेशन रहता है, ट्रैफिक रहता है और जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स भी है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सख्त जरूरत है, इसीलिए आज यहां पर ये सर्विस को लॉन्च कर दी गई है। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है बहुत ही अच्छा, लेकिन एनवायरनमेंट के दृष्टि से, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जितना कम फ्यूल ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन कम यूज करेंगे उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, और इसीलिए हमने यहां पे हमारे कोलाबा विधानसभा क्षेत्र में बाइसिकल्स का कॉन्सेप्ट लाया है, रेंट अ बाइक, जिससे आप चर्चगेट स्टेशन के सामने है, गेटवे ऑफ इंडिया पे है, कफ परेड पे है, नरीमन पॉइंट पे रहेगा, ऐसे अलग अलग जगहों पे जहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण पर टूरिस्ट आते हैं, ऑफिस क्राउड आता है, डिलीवरी बॉयज आते हैं, जिनको साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, जो बस के जगह पे, टैक्सी के जगह पे ये साइकिल्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे प्रदूषण भी कम हो जाएगा, चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक को मिलेगा और कुल मिलाकर सेहत के लिए भी लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बीएमसी के साथ मिलकर माई बाइक ने 10 जगहों पर 100 साइकिलों का संचालन शुरू किया है। इन साइकिलों को मोबाइल ऐप के जरिए कहीं से भी रेंट पर लिया जा सकता है। सफर पूरा होने के बाद इन्हें किसी भी दूसरे सेंटर पर लौटाया जा सकता है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं वो हमें पॉइंट बी टू सी तो कनेक्ट करता है, बट ए टू बी, घर से स्टेशन एंड सी टू डी, स्टेशन से डेस्टिनेशन, वो मिसिंग लिंक है। तो उस प्रॉब्लम को माई बाइक सॉल्व करता है। आज की तारीख में मुंबई में हम ऑलरेडी मेट्रो लाइन 2A और 7 पे कनेक्टिविटी सारे स्टेशन पे दे रहे हैं, और अब फाइनली वार्ड ए में साउथ मुंबई में हम आए हैं आज, तो चर्च गेट स्टेशन से हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और इसके अलावा हमने 10 स्टेशन हमने क्रिएट किए हैं। बीएमसी की पब्लिक बाइक शेयर पॉलिसी के तहत शुरू हुई ये पहल ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या हल करने के साथ साथ सेहत दुरुस्त रखने में भी मददगार है। आने वाले वक्त में मुंबई के दूसरे इलाकों में ऐसे बाइक सेंटर खोलने की योजना है। मुंबई से देव कोटक, गुड न्यूज़ टुडे।